बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे दोस्तों को मेडिकल इन्फॉर्मेशन की तरफ से मेरा सलाम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है इसोमीपिराज़ोल। इसोमीपिराज़ोल क्या है और ये किन कंडीशन में इस्तेमाल होता है? वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी तक आखिरी तक देखें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसोमीपिराज़ोल किन कंडीशन में इस्तेमाल होता है। इसोमीपिराज़ोल गट गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़, हार्ट बर्न और एसिडिटी डिसऑर्डर में इस्तेमाल होता है, जिसे मैदे की जलन भी कहते हैं। ये दो कंडीशन में अवेलेबल है, एक 20 मिलीग्राम एक 40 मिलीग्राम। 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम वो एज और पेशेंट की सीवियरिटी को देख के उसके हिसाब से दी जाती है। इसकी जो डोजेज है वो आप सुबह नाश्ते से पहले एक गोली सुबह नाश्ते से पहले रोज़ाना ज़रूर खाइएगा। जिसको भी हार्ट बर्न एसिडिटी डिसऑर्डर की बीमारी होगी इंशाल्लाह वो सारा दिन इस बीमारी से महफूज होगा। इस दवा के कुछ कंट्रा इंडिकेशन भी है। कंट्रा इंडिकेशन का मतलब है कि ये मेडिसिन कौन सी बीमारी में नहीं देनी चाहिए, उसके लिए आप अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कांटेक्ट करें। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं रोज़ाना ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।